चैप्टर नंबर 9 सबसे पहली बात, सबसे बड़ा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 हो गया, फॉर्मूले हैं, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। चैप्टर नंबर 11 में तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड निकालना है। बाकी डोमेन रेंज तो मैंने आप लोगों को सेकंड में चैप्टर 1 के अंदर दो वीडियो भेजी थी डोमेन और रेंज की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या होती है। वो अगर आप रट्टा मार सकते हो तो रट्टा मार लो, वरना जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था उसको समझ लोगे तो काफी आसानी हो जाएगी। बादल तो 11 में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, पीरियड निकालना है आपने। 12 में भी अगेन फॉर्मूले हैं और बाकी केसेस हैं कि आपके पास दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, ब्ला ब्ला वही चल रहा है। और 13 में तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उनको सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें आपको थोड़े ज्यादा कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, इसमें रेडियन से डिग्री और सब चीजें कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सर शो नहीं हो रही है, बाकी सबको शो हो रहा है, मेरे ख्याल में आपको मसला हो रहा है। अगर बाकी मसला हो तो फिर मैसेज कर देना मुझे, आई गेस कोई इशू नहीं हो रहा। तो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं यार, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडामेंटल्स है ना वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं अगर टाइम होता तो हम काफी लंबी करते हैं, काफी डिटेल से पढ़ाते, लेकिन कुछ बातें आप लोग बस नोट कर लेना, लिखवाने का टाइम नहीं है। सबसे पहली बात है कि जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आप यूज करते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप उसको हर वर्ड को तोड़ो ना, मतलब ट्राई गोनो मैट्री, तो इन सब के अलग अलग मतलब होते हैं। तो इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स को मेजर करना होता है। अब ट्राइंगल को मेजर करने का मतलब क्या होता है कि आपने 6 चीजें मेजर करनी है, 3 एंगल और 3 उसकी साइड की लेंथ। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे बात तो की जाती है कि सब ट्राइंगल की, लेकिन जो ज्यादातर ट्राइंगल यूज होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल की काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल और इसके साथ साथ बाकी ट्राइंगल भी यूज हो रहे होते हैं। तो ये तो बात है ट्रिग्नोमेट्री में हम करते क्या है। उसके बाद सबसे पहली बात, जब ट्राइंगल का जिक्र किया गया है उससे पहले भी एक वर्ड होता है जिसको आप बोलते हो एंगल। एंगल क्या होता है कि जब कोई भी दो लाइन रोटेट कर रही है, जैसे ये अभी इसका एंगल 0 है, अगर इस लाइन को मैं रोटेट करवाऊं तो ये जितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको आप एंगल बोलते हो। अभी एंगल कम है, अभी एंगल ज्यादा है क्योंकि ज्यादा रोटेट हो गया ये, अब और एंगल ज्यादा हो गया, अब और एंगल ज्यादा हो गया, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ना इसको आप काइंड ऑफ बोल दो एंगल होता है। अब एंगल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। हमने स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया हुआ है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लोगे, अगर आपका एंगल इस तरह बन रहा है इस तरीके से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो। और अगर आपका एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है इस तरीके से, तो इस वाले एंगल को आप क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। आई गेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको आइडिया होगा कि अगर क्लॉक की डायरेक्शन में जाओ तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, मतलब इस तरीके से ये क्लॉक की डायरेक्शन होती है, और अगर इस तरीके से जाओगे तो ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव ले रहे होते हैं। इसी तरह एंगल में अगर एंगल बनता है ना तो उसकी दो तीन चीजें होती हैं। किसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल, एंगल का वर्टेक्स, ये साइड होती है इनिशियल साइड जहां से एंगल बनना स्टार्ट हुआ है इसको आप इनिशियल साइड कहते हो, जिस पे एंगल एंड हुआ है इसको आप टर्मिनल साइड कहते हो। टर्मिनल का मतलब टर्मिनल साइड वो होती है जिसपे एंगल खत्म हो रहा है, इंग्लिश का वर्ड होता है ना टर्मिनेट होना, टर्मिनेट मतलब एंड हो जाना, तो जिसपे एंगल आपका एंड हुआ है इसको आप बोलते हो टर्मिनल साइड। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक बात मैंने आपको बता दी एंगल से रिलेटेड। उसके बाद अब बात है कि यार जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ते हो तो उसका यूनिट होना चाहिए। जैसे आपने डिस्टेंस पढ़ा तो डिस्टेंस की यूनिट है, आप ये नहीं बोल सकते यार मैं 5 ट्रेवल कर आया हूं, अगला पूछेगा 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, 5 फुट है, 5 माइल्स है, क्या है, यूनिट आपको बताना पड़ता है ताकि मेजर करना है आप उसको कि 5 क्या चीजें हैं ताकि आप मेजर कर सको। इसी तरह अगर आप हाइट बता रहे हो तो आप बोलो मेरी हाइट 6 है, अब 6 फुट है, 6 इंच तो नहीं होगी खैर, लेकिन जो भी है यूनिट बताना पड़ता है आपको। तो इसी तरह एंगल भी है, एंगल के भी यूनिट होते हैं। ज्यादातर जो हम ये यूज करते हैं वो डिग्री यूज कर रहे होते हैं अभी बेसिक लेवल पे, अभी तक जब तक आपने पुरानी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ज्यादातर आपका वास्ता डिग्री से पढ़ा हुआ है। लेकिन जितनी आपकी लेवल हाई होता जाता है आप रेडियन की तरफ आ जाते हो, क्योंकि रेडियन जो है वो हमारा अपना सिस्टम है, जो पाई वाला सिस्टम आप यूज कर रहे होते हो, डिग्री भी हमारा अपना ही है लेकिन वो सर्कल से डिफाइन किया होता है तो वो अलग सिस्टम पूरा बन जाता है।
रेडियन जितने आपने डेरिवेटिव्स देखे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ये सब अगर साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक के जो आपने देखे हैं, इन सब में एंगल रेडियन के अंदर होता है। तो जैसे आप हाई लेवल पे जाते जाते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स खासतौर पर, इसमें आप एंगल रेडियन के अंदर ही ले रहे होते हो। यहां पे एक सवाल बनता है जो मैं आगे जाके इंशाल्लाह कल की क्लास में क्लियर करूंगा। वो सवाल ये होता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैलकुलेटर को हमने रेडियन में कब कन्वर्ट करना है, डिग्री में कब कन्वर्ट करना है। तो ये काफी अर्से से मैं चाहता था वीडियो बनाऊं, लेकिन कल वो वक्त है इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को बकायदा दोबारा बता दूंगा, पहले भी मैंने बहुत दफा बताया कि कब आपने कैलकुलेटर को डिग्री में करना है, कब रेडियन में करना है। वो जब चैप्टर 11 13 हम कर लेंगे ना, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमें डिग्री के ऊपर सबसे पहली बात डिग्री की डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि होती क्या है, क्योंकि ये भी कभी पूछ ली जाती है बात। तो डिग्री यार होता ये है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, एक सर्किल को आप कंसीडर करो, इस सर्किल में अगर आप ये जो सर्किल का सर्कमफेरेंस आपको नजर आ रहा है ना पूरा, इस सर्कमफेरेंस को अगर आप 360 हिस्सों में तकसीम कर दो, 360 का मतलब लेट कर लो ये एक हिस्से में तकसीम कर दिया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, तो तीन हिस्सों में तो मैंने तकसीम किया हुआ है इसको। करते करते आप सर्किल के सर्कमफेरेंस को टोटल 360 हिस्सों में तकसीम कर दो। तकसीम करने के बाद कोई भी आप एक हिस्सा पकड़ो, लेट कर लो मैंने ये वाला हिस्सा पकड़ लिया, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दो सेंटर से। ये जो छोटा सा हिस्सा था ना, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को आप क्या बोलते हो, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है कि अगर आप सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है उसको आप सही है उसको अगर आप 360 हिस्सों में तकसीम कर दो, 360 हिस्सों में तकसीम करने के बाद किसी भी एक हिस्से को पकड़ो और उसको ज्वाइन कर दो सेंटर से, तो जो दरमियान में एंगल बन रहा होगा उसको आप बोलोगे 1 डिग्री। तो दैट्स व्हाई सर्किल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है कि आपने 360 हिस्सों में उसको तकसीम करना है, हर एक हिस्सा जो है वो 1 डिग्री का एंगल बना रहा होता है सेंटर के ऊपर। तो ये डेफिनेशन है, मैं इसको जरा अंग्रेजी में बता देता हूं कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, द एंगल सबटेंडेड बाय 1 पार्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, किसी भी एक पार्ट जो एंगल बना रहा है सेंटर ऑफ सर्किल पे इज कॉल्ड 1 डिग्री। वो क्या होता है, 1 डिग्री। इसकी डेफिनेशन होगी। अब तरह थोड़ी कन्वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि डिग्री के अंदर उसके सब यूनिट भी होते हैं, मिनट और सेकंड, तो जरा इसको भी देख लेते हैं क्या करना है। अच्छा बाय द वे, अगर आपके पास कोई भी एंगल डिग्री मिनट सेकंड के अंदर मौजूद है और आपने उसको डेसिमल के अंदर लाना है, डेसिमल का मतलब जैसे एक होता है ना कि लिखा हो 24.4 डिग्रीज, ये है डेसिमल डिग्रीज के, डिग्रीज को आपने डेसिमल के अंदर लिखा हुआ है, इसी चीज को लेट कर लो वो को मिनट सेकंड में लिख दें कि 24 डिग्री 5 मिनट 60 सेकंड, 60 नहीं करते, लेट कर लो 50 सेकंड कर लेते हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअल में इसका क्या आंसर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो अगर इस वाले सिस्टम से आपने इसमें जाना हो, मतलब डेसिमल डिग्री से आपको डिग्री मिनट सेकंड में जाना हो, या डिग्री मिनट सेकंड से आपको इस डेसिमल सिस्टम में जाना हो, दोनों काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। इसकी अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया है ना हाउ टू यूज कैलकुलेटर, उसमें आपको अलग से वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये सब काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, आपको कोई नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस ये चीजें याद रख लो जो मैं बताने लगा हूं आपको, कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, मिनट के लिए आप ये प्राइम यूज कर रहे होते हो, ठीक है। 1 डिग्री के अंदर 60 सेकंड होते हैं, इसी तरह 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और सेकंड के लिए आप 2 प्राइम यूज कर लेते हो, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री के अंदर बताओ कितने सेकंड होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर 3600 सेकंड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप इसका सवाल कैसे आ सकता है, ये तो आपने 1-1 करके देख लिया ना, लेट कर लो आपको बोले कि 10 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, तो 10 डिग्री के अंदर क्या होंगे, 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 600, तो इसका मतलब 10 डिग्री के अंदर 600 मिनट्स होते हैं। लेट कर लो आपको बोलते हैं कि 1 मिनट के अंदर तो 60 सेकंड है, ठीक है, 5 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो भाई 5 मिनट के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 300, 5 मिनट के अंदर 300 सेकंड हो जाएंगे। तो इस टाइप के सवाल जो है ये आपको आने चाहिए। इसी तरह इसका भी आ सकता है
एक डिग्री के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं, तो 5 डिग्री के अंदर बताओ कितने सेकंड होंगे, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक कन्वर्जन ये है कि जिसमें आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे होगे, और एक कन्वर्जन इनकी अपोजिट है, वो कौन सी है कि जब आप छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हो, जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक सेकंड के अंदर बताओ कितने डिग्रीज है, अब ये कैसे निकालोगे, सॉरी एक मिनट के अंदर, तो आप इस इक्वेशन को कंसीडर करो, इस इक्वेशन को 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 अपॉन 60 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, तो 1 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 1 अपॉन 60 डिग्रीज हो जाएंगे। दोबारा बताता हूं, आपके पास इक्वेशन क्या थी कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दिया, तो 1 मिनट के अंदर आपके पास आ गया कि 1 अपॉन 60 डिग्रीज होते हैं। अब इसका सवाल किस तरह आ सकता है, वो आपको बोले बताओ, बल्कि मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं, किसी स्टूडेंट को अगर बताओ तो बता देना कि एक मिनट के अंदर तो 1/60 डिग्रीज होते हैं, मुझे बताओ 20 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, पा रहे हैं, बहुत इजी सवाल है मेरे भाई, जब आप लोगों को मैंने बताया था एक डिग्री के अंदर 60 मिनट है, तो 10 डिग्री के अंदर कितने थे, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे करो, अगर आपको मालूम करना है 20 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज हैं, तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मिनट के अंदर 1/60 डिग्रीज, तो 20 मिनट के अंदर कितने होंगे, 20 मल्टीप्लाई 1/60 डिग्रीज, कैंसिल करो 3 टाइम, मतलब 1/3 डिग्रीज, तो यही तो बात है कि आपने बस मल्टीप्लाई करना होता है कि 20 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। लेट करो अगर मैं आपको बोलूं कि 100 मिनट के अंदर कितने डिग्रीज होते हैं, तो आप 1/60 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो तभी बेसिक बात की जाती है, 1 की बात की जाती है, कि 1 का अगर आपको पता है फिर आप किसी भी नंबर का निकाल लो, आप बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको 200 मिनट में कितने डिग्रीज चाहिए, आप इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ आई यहां तक बात सबको, कुछ सवाल है तो पूछ लो। अगर बात समझ आ गई तो अब जरा मुझे इसका आंसर देना कि एक मिनट एक सेकंड के अंदर 1/60 मिनट होते हैं, सवाल यह है कि 30 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, 30 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, भाई 30 सेकंड के अंदर कितने मिनट होते हैं, अभी कौन सा पता है, मल्टीप्लाई करना है बस आपने, 1/2 इसका आंसर है यार, हद हो गई है कि मैंने बोला एक सेकंड के अंदर 1/60 मिनट है, तो 30 सेकंड के अंदर कितने होंगे, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 को मल्टीप्लाई करो 1/60 से, 1/2 आ जाएगा, 60 सेकंड के अंदर कितने मिनट होंगे, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 आंसर आ जाएगा, तो 60 सेकंड के अंदर 1 मिनट ही होता है ना, तो जितने के लिए आपने करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा यार। इसको आप लोग थोड़ा टाइम देना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, शायद आप ये बात पहली दफा पढ़ रहे हो इसलिए आप लोगों को मसला हो रहा है, इसी तरह इसमें भी आप कर सकते हो कि एक सेकंड के अंदर इतने डिग्रीज होते हैं, तो अगर आपको बोला जाए यार 360 सेकंड के अंदर कितने होते हैं, आप 360 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, जितनी दफा बोला जाए उतने नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो काफी मैंने टाइम दी थी इस चीज के ऊपर, अब इससे आगे निकलते हैं हम थोड़ा। अब आ जाओ भाई रेडियन के ऊपर, एक यूनिट जो है वो रेडियन भी होता है, डिग्री की आपने डेफिनेशन देख ली, कन्वर्जन भी देख ली, अब रेडियन पे आ जाओ, रेडियन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, रेडियन के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि रेडियन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का कुछ ना कुछ रेडियस है, ये पूरा रेडियस है, तो लेट कर लो रेडियस की लेंथ यहां पे 5 यूनिट है, आप इसको ऐसे अज्यूम करना कि आप खुद चल रहे हो, आप सेंटर पे खड़े हुए हो और यहां से चलना आपने स्टार्ट की, यहां तक जब आप पहुंचे हो ना तो आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट कर लो 5 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया,
तो जितना आपने इवन डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उतना अब आप यहां से स्टार्ट हो और बाउंड्री पे चलना स्टार्ट करो। ठीक 5 मीटर आपने यहां पे भी चलना है, लेट कर लो 5 मीटर आपने यहां पे भी चल लिया। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि जितना रेडियस है उतनी ही जो आपने आर्क ली है ना, इसको आप आर्क कहते हो। सर्किल की बाउंड्री का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर आप कंसिडर करते हो ना, तो उसको हम आर्क कहते हैं, ARC। ठीक है, तो जो रेडियस की लेंथ है उतनी ही आपने आर्क की लेंथ लेनी है। ठीक है, क्या मैंने बात बोली है कि जो रेडियस की लेंथ है उतनी ही आपने इस आर्क की लेंथ लेनी है। ठीक है, आर्क लेंथ को आप एस से लिख रहे होते हो। तो अगर रेडियस जो है वो बराबर हो जाए आर्क लेंथ के, तो इस आर्क लेंथ को आप ज्वाइन कर दो सेंटर से, तो जो यहां पे एंगल बनेगा उस एंगल को आप क्या बोलोगे, 1 रेडियन। दोबारा बताता हूं कि जितना सर्किल का रेडियस है अगर आप उतनी ही लेंथ की ये आर्क लोगे और फिर इस आर्क को यहां सेंटर पे ज्वाइन कर दो, तो यहां पे जो एंगल बन रहा होगा उस एंगल को आप क्या बोलोगे, 1 रेडियन के बराबर होता है। तो जरा इसकी डेफिनेशन सुन लो। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाई एन आर्क, मतलब एक आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, whose length is, मतलब उस आर्क की लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल, कि उस आर्क की लेंथ जो है वो यहां पे बराबर है रेडियस ऑफ सर्किल के, तो जो दरमियान में एंगल बन रहा है उसको आप क्या बोलोगे, 1 रेडियन। अब रेडियन की कन्वर्जन, रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन आपस में हमने देखनी है, उस पर जरा थोड़ी नजर आसानी कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो फुल रोटेशन होती है, फुल रोटेशन में आपको पता है कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं, तो फुल रोटेशन में रेडियस कितने होते हैं, 2π रेडियंस होते हैं। जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हो तो 360 डिग्रीज होते हैं और 2π रेडियंस होते हैं। तो यहां से आपने देखा कि 360 डिग्री बराबर होते हैं 2π रेडियन के अंदर, और अगर आप हाफ रोटेशन करोगे तो 180 डिग्रीज होंगे और पाई रेडियंस हो जाएंगे। और अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, मतलब राइट एंगल, तो राइट एंगल 90 डिग्रीज का होता है और पाई बाय 2 रेडियंस का हो जाएगा। पाई बाय 2 जो है ये 90 डिग्रीज के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां से इनके आपस की हम कन्वर्जन करते हैं। बेसिक इक्वेशन क्या है कि 360 डिग्री बराबर है 2π रेडियन के, ये बेसिक कन्वर्जन। आई होप ये चीज आप लोगों को याद होगी, ये तो आपने पढ़ी होगी। अब इसको हम कॉन्सेप्ट इस तरह करते हैं कि आप इक्वेशन को 360 से डिवाइड कर दो, यहां पर भी 360 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे बचेगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, 2 को 360 से कैंसिल करो, 180, तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 रेडियंस के। ठीक है, मजीद इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये हो जाएगा 0.0 कुछ था, मैं देख लेता हूं, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये आंसर होता है 0.01745 रेडियन। तो ये आपसे सवाल पूछा जाता है, काफी मशहूर MCQs है कि 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, 1 डिग्री के अंदर 0.01745 रेडियंस होते हैं। और अगर इस बात को उल्टा कर दिया जाए, मतलब आपके पास इक्वेशन थी कि 2π रेडियंस बराबर होते हैं 360 डिग्री के, तो आप 2π से डिवाइड कर दो, तो अब यहां पे कैंसिल होगा, ऊपर 180 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 रेडियन के अंदर 180/π डिग्रीज होते हैं, 1 डिग्री के अंदर पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन के अंदर 180/π डिग्रीज होते हैं। और ये 57 समथिंग कुछ आ रहा होता है, 57.3 कर लेते हैं, तो 1 रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज होते हैं। तो असल चीज आपने इसको याद रखना है, 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन के अंदर इतने डिग्रीज होते हैं। अच्छा, एंगल अगर लिखा जाए ना, खाली एंगल के साथ अगर रेडियन ना भी लिखा जाए तो वो रेडियन ही में आता है। डिग्री में उस वक्त आएगा जब आप एक छोटा सा सिंबल लिखोगे, अगर आप ये ऊपर छोटा सिंबल ना लिखो तो नीचे जो भी चीज लिखी हुई है वो रेडियन में ही हम शुमार करते हैं। तभी मैंने यहां पे 1 लिखा है, इसके साथ मैं रेडियन लिखू या ना लिखू बात एक ही है, लेकिन डिग्री के साथ मुझे लास्ट में ऊपर छोटा सा लगाना पड़ेगा तब वो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियंस होते हैं और 1 रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज होते हैं। यहीं से आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद होगा कि अगर आपने डिग्री से रेडियन में जाना होता है तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना होता है
तो आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो। तो आई होप ये वाली चीज तो आपको पता होगी, साथ साथ कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसके, आपको एमसीक्यूज भी नजर आते हैं। मेरा आप बच्चों से सवाल ये है कि मुझे बताओ, पहले हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं, 150 डिग्रीज है, ये कितने रेडियन के बराबर होता है? कैसे, एक मैं करवा देता हूं, बाकी आप लोग कर लेना। आप इस 150 को मल्टीप्लाई कर दोगे पाई बाय 180 से, तो 30 से डिवाइड करो, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये होता है 5 पाई बाय 6। तो 150 डिग्री बराबर होता है 5 पाई बाय 6 रेडियंस के। तो इस तरीके से आप डिग्री से रेडियन में शिफ्ट करोगे, पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे क्या हो सकता है कि लेट कर लो आपके पास कोई रेडियन में लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं 11 पाई बाय 6। अब वो आपको बोल रहे हैं कि आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई से पाई को कैंसिल करो, 6 वनजा 6, 6 30 जा 180, तो इस 30 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 330। तो इसका मतलब 11 पाई बाय 6 बराबर होता है 330 रेडियंस के, सॉरी डिग्रीज के। बाकी मजीद यार आप जो 9.1 है ना, ये सवाल जाहिर सी बात है एक्सरसाइज के सारे के सारे, तो आपने क्या करना है, आप 9.1 निकालना। 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आप डिग्री से रेडियन में जा रहे हो, उन सब सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आप रेडियन से डिग्री में जा रहे हो तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। एक एक सवाल तो मैंने आप लोगों को करवा दिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से आ जाएगा। जिस एंगल के साथ माइनस आ रहा है ना, उस माइनस को साइड में कर लेना चुप करके, उस माइनस को साइड में करना, और जिस तरह कन्वर्ट करना, जब कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप कर लेना। और जो ये डीएमएस सिस्टम में गिवन है ना, डिग्री मिनट सेकंड में, तो मैंने बताया था इनको आप कैलकुलेटर में पुट करना, मैंने डिस्कस किया था उन वीडियोस में। कैलकुलेटर में पुट करने के बाद बटन दबाना, आप वो डेसिमल के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे ही डेसिमल के अंदर आ गया ना, फिर वही काम करना कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देना पाई बाय 180 से, तो फिर वो रेडियन के अंदर आ जाएगा।